हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था, बट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में हम सेम एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ जो कंडेंसेशन कराते हैं उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वो कंडेंसेशन होता है जिसमें कि हम क्रॉस मींस जिसमें कि हम टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, उसके साथ जब हम कंडेंसेशन की प्रोसेस कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्कली या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये हम रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके। ठीक है, तो कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, हाँ, कंडेंसेशन मीन्स जुड़ना या कंडेंस होना। जब हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स जब कंडेंस होते हैं तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंसेशन हमारे पास, या तो हम जब एल्डोल कंडेंसेशन बढ़ते हैं तो एल्डिहाइड के बीच में होता है, एल्कोहल के बीच में होता है, कीटोन के बीच में होता है। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस में, एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमिलर एल्डिहाइड होने चाहिए, ठीक है, या कीटोन होने चाहिए। जबकि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास दो सिमिलर एल्डिहाइड या कीटोन होने जरूरी नहीं होते। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के, या तो एक एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन होगा, तो उनके बीच में जब कंडेंसेशन होगी, प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH या Na2CO3, ये हमारे पास बेस है, ये एल्किलीज है, इनकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा हमारे पास ग्रुप होना चाहिए, चाहे एल्डिहाइड लें या चाहे कीटोन लें, तो ऐसा हमारे पास कार्बन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो दोनों ही कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों कंडीशन में सेम है, पर लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में जो क्रॉस होता है, जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो जानिएगा कि क्या क्या नेसेसरी थिंग्स है या क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है जो कि कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिमिलर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, जब ये रिएक्शन हमारे पास होती है तो ये बेस की प्रेजेंस, बेस ऑब्लिक एल्कली की प्रेजेंस में होती है, तो बेस हमारे पास क्या होगा, NaOH होगा, ठीक है, NaOH होगा या Na2CO3 होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 10% होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास सिमिलर एल्डिहाइड होने चाहिए या कीटोन होने चाहिए, कौन सी रिएक्शन के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, तो सिमिलर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होने चाहिए, उस एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये रिएक्शन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन अल्फा, जिस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वहां होनी चाहिए, और ये बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा जिसको हम एल्कलीज भी कहते हैं, और वो बेस क्या होंगे हमारे पास, NaOH और Na2CO3, जो कि 10% हम लेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, जब अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, या अल्फा हाइड्रोजन या एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्शन करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। अब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कब बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कब बनेगा, जब टू एल्डिहाइड क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, जब दो एल्डिहाइड आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे,
तब ये प्रोसेस हमारे पास होती है। तो पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए इसके रिएक्शन देखिएगा, CH3 एंड H C डबल बॉन्ड O प्लस H CH2 एंड CHO। देखिए स्टूडेंट, CH3 CHO लिखने का तरीका हमने अलग कर दिया, ठीक है। यहां पर देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से रिएक्शन करेगा, इसको अगर हम यहाँ पर रिएक्शन में नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे इसको अगर हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। बेस क्या होगा, NaOH। बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, CH3NH सेम एंड C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा CH3 एंड H C डबल बॉन्ड O CH3 CHO, ठीक है। एंड ये भी क्या है हमारे पास, CH3 CHO, इसको हमने तोड़ के लिख दिया CH2 एंड H CH3 CHO, ठीक है। CH3 एंड H सेम, अब C डबल बॉन्ड O, इस O के साथ ये वाला H जुड़ जाएगा तो OH बन गया हमारे पास। फिर क्या बचा हमारे पास, CH2 into CHO, ये बच गया हमारे पास। फिर हमने इसका क्या कराना है, अब ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास इसका हमने क्या कराना है, हीट कराएंगे, ठीक है। ये हम हीट कराएंगे, ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। हम जब इसको हीट कराएंगे तो हीट कराने पर क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट होने पर क्या बनाएगा, देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा, CH3 रिएक्शन में आप यहां पर देखिएगा एंड H सेम दैट एंड C डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां से OH, ठीक है स्टूडेंट। एक बार दोबारा से ध्यान देंगे, CH3 एंड H C डबल बॉन्ड O एंड CH3 CHO, सेम हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास एल्डिहाइड है। यहाँ पर हमने ये आपको शो करने की कोशिश करी कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों के पास है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा, लिखने के एल्डोल कंडेंसेशन वहीं पर होता है जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ये शो कर रहा है, ठीक है। एक जगह ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। OH यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, CH2 CHO फर्स्ट कंडीशन में जब एल्कली के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर से क्या होगा, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ पर ये OH यहाँ से जाएगा और CH2 में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी निकला तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से OH चला गया और यहाँ से CH2 में से एक H चला गया तो बचा क्या, CH एंड CHO। तो इस तरीके से हमारे पास ये मेन हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ठीक है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट चार कार्बन, ठीक है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, एक दो दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन एंड चौथा कार्बन, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट टू इन, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है अल, तो इन प्लस अल ब्यूट टू इन अल, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई स्टूडेंट। रिएक्शन एक बार दोबारा, एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास सिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन नहीं करा रहे, ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एल्डोल कंडेंसेशन ये हमारे पास एल्कली और बेस की प्रेजेंट एल्कली के प्रेजेंस में होता है, ऐसा एल्कली जो NaOH और Na2CO3 के साथ रिएक्शन होगी 10% होना चाहिए, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में
हमारे पास जब हम कंडेंसेशन करते हैं दो एल्डिहाइड को सिमिलर पोजीशन में, तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है। और उसके साथ साथ ठीक है, जब हम ये रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन की स्टेप होती है, या एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इस तरीके से ये इसका ये कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और ये एच आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। फिर जब हम इनको स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इसके इस OH से और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और किस तरीके से इनल की फॉर्मेशन पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, अब आगे देखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कंडीशन होती है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होगा। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दो अलग अलग एल्डिहाइड और दो अलग अलग कीटोन के बीच में होगा, कंडीशन नंबर वन। या एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी हो सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। बेस क्या होगा स्टूडेंट, NaOH या Na2CO3, इसके साथ ही ये भी रिएक्शन करेगा। बाकी सारी कंडीशन सिमिलर है। ठीक है, रिएक्शन हम कराएंगे तो देखिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में CH3 एंड CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या है, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन रिएक्ट विद डाइमिथाइल कीटोन को। अगर हम एक कीटोन को एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दे, ठीक है, CH3CHO, ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, कीटोन प्लस एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे। क्रॉस एल्डिहाइड में क्या होता है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, या टू एक एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। तो हमने क्या लिया, ये एल्डिहाइड ले लिया और ये कीटोन ले लिया, तो हमारे पास क्रॉस मीन्स दो अलग अलग होने चाहिए, एल्डिहाइड अलग होना चाहिए, कीटोन अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने एक क्या लिया, कीटोन लिया और एक हमने एल्डिहाइड ले लिया। तो ये कौन सा कीटोन है हमारे पास, डाइमिथाइल कीटोन। रिएक्शन कराएंगे हम इसकी किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, CH3 है ये, ठीक है, CH2 एंड H इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये CH3CHO किसके साथ रिएक्शन होनी है स्टूडेंट, NaOH के साथ रिएक्शन होगी, जो कि क्या है हमारे पास एल्कली, एल्कली के साथ रिएक्शन होगी। कई बुक में आपने पास 10% लिखा होगा या आपकी pH होगा, ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्शन होगी, ये एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस रिएक्शन को मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, अब आपको पिछले रिएक्शन में भी हमने बताया था, जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यहाँ पर जुड़ेगा ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, बाकी सारा सेम। तो देखिएगा कैसे, CH3 एंड CH3 सेम, सी अब सी क्या बनाएगा, अब ये डबल बॉन्ड जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जब डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, COH एंड CH2CHO। अब क्या कराना है, इसका क्या होगा, इसका होगा इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाई करने पर यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा बताओ, यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होगा स्टूडेंट, देखिएगा कैसे वाटर मॉलिक्यूल ने एलिमिनेट होना, पिछले रिएक्शन को चेक कीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल कहां से एलिमिनेट होगा देखिएगा, यहां से क्या जाएगा, यहां से आपका OH जाएगा, ठीक है, यहां से आपका क्या जाना है, यहां से आपका OH जाएगा। और हाइड्रोजन कहां से जाएगा, हाइड्रोजन कहां से जाएगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, इसके यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन चला गया और यहां से OH चला गया, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या बचा आपके पास, CH3 एंड CH3 सी, यहां से OH भी चला गया है, यहां से हाइड्रोजन भी चला गया, डबल बॉन्ड दो चीज जा रही है तो डबल बॉन्ड आएगा, एंड CH CHO। H क्यों आया, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन गया और यहां से OH चला गया, तो CH CHO आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम कार्बन की रिंग को देखेंगे, पैंट, ठीक। दूसरा, एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पैंट टू इनर, ठीक है। इन क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इस पोजीशन को हम लिखेंगे एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पर इन है, तो इसलिए पैंट, पैंट मीन्स पांच कार्बन है, यहाँ पर ब्यूट आया, एक दो तीन चार कार्बन है। अब इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 है, इसलिए पांच आएगा, पैंट मीन्स पांच कार्बन, टू मीन्स दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए पैंट टू, इन मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इन सफिक्स आएगा। और एल क्यों आया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए पैंट टू इनर की फॉर्मेशन होती है। अब दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, इनर की फॉर्मेशन होती है दोनों में, पर लेकिन एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या अंतर है, ठीक है, क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, या क्या एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल, देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि हमारे पास इनल की फॉर्मेशन होती है, सेम सिमिलर एल्डिहाइड की रिएक्शन हुई थी, यहाँ पे सिमिलर एल्डिहाइड है और यहाँ पर इनल की फॉर्मेशन होती है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, या एल्डिहाइड अलग अलग होंगे या कीटोन अलग अलग भी हो सकते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होगी, या एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में रिएक्शन होगी, तो इसीलिए हम इसको क्रॉस कह रहे हैं, क्योंकि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास इनल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगी कंडेंसेशन की, और फिर उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से CH3 एंड CH3, C डबल बॉन्ड, CH, CHO, इस तरीके से पैंट टू इनल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आज ये लेक्चर में हमने कंप्लीट करा। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।